हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ ग्रीन टी और मसाला चाय के आश्चर्यजनक फायदे। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चाय हमारे लिए सही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन टी और मसाला टी कौन सी चाय में क्या फायदे हैं, और फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आजकल ग्रीन टी पीने का काफी चलन है, और हो भी क्यों ना, ग्रीन टी के फायदे भी हैं। चाहे इंडिया हो या विश्व का कोई भी कंट्री, सभी लोग चाय पीना काफी पसंद करते हैं। कई लोगों की यह आदत बन जाती है कि सुबह उठने के बाद रोज चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। चाय के कई प्रकार होते हैं जो उनके रंग तथा स्वाद में पाए जाने वाली विभिन्नता के कारण होता है। हरी पत्ती की चाय में काफी लाभकारी गुण मिलता है। कई चाय के स्वाद भी काफी अच्छी होती है। इसमें मौजूद कैफीन मस्तिष्क को बूस्ट करने की कार्य करता है, साथ ही देर तक जागने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं पहले ग्रीन टी के फायदों के बारे में। हृदय रोग, इसमें हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण हृदय रोग होने के 30% संभावना कम हो जाता है। चेहरे की झुर्रियां, बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे की त्वचा में धीरे धीरे ढीलापन आने लगता है, जिससे चेहरे में गहरे दाग जैसे आकृति बनने लगती है। इन झुर्रियों के कारण हमारी उम्र ज्यादा दिखाई पड़ती है। यह आपके चेहरे पर उम्र बताने वाले झुर्रियों को बनने से रोकता है, जिसके कारण समय से पहले बुढ़ापा आने वाली समस्या नहीं होती है। कैंसर होने का खतरा कम करता है। ग्रीन टी के सेवन से मनुष्यों में कई प्रकार के कैंसर के होने का चांस कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार ग्रीन टी हमारे शरीर की त्वचा को कैंसर, रक्त कैंसर जैसे बीमारियों के होने से बचाता है। दांत एवं मसूड़ों के लिए, उम्र बढ़ने के साथ हमारे दांतों पर मसूड़ों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे दांत झड़ने लगते हैं। यह चाय आपके मसूड़ों को मजबूत बनाए रखता है और लंबे समय तक आपके दांत को झड़ने से बचाता है। साथ ही साथ ये येलो टीथ को व्हाइट में तब्दील करने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ग्रीन टी को पीने वाले व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। इसे हर दिन इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर की मात्रा भी संतुलित रहती है। मधुमेह के रोगियों को इसका रोजाना सेवन करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, विश्व के कई वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह पाया है कि रोजाना ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसे घातक रोग से बचा जा सकता है। इसके प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाले स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना 17% तक कम हो जाती है। मोटापा घटाए, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के आकार को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। कई लोग अपने खान पान की अनियमितता के कारण तथा बुरी आदतों के कारण मोटापे की शिकार हो जाते हैं, परंतु अब आप निश्चिंत होकर ग्रीन टी का रोजाना सेवन कर आप अपनी मोटापा को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इस चाय को रोजाना पीने से चाय आपके चर्बी को 14-15% तक कम कर देगा। शरीर की ताजगी, जब भी आप लगातार काम करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें और एक कप ग्रीन टी पिएं। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है और आप ज्यादा काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये रहे दोस्तों ग्रीन टी के फायदे। आइए अब जानते हैं चाय मसाला के फायदों के बारे में। हमारी देसी मसाला चाय ग्रीन टी की तुलना में बहुत ही स्वस्थ और स्वाद में कहीं बेहतर होती है। इसके अलावा इसे बनाना भी बहुत आसान है।
और मसाला चाय बनाने के लिए आपको किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, तुलसी और कुछ चाय के पत्ती की जरूरत होती है, और ये सब मसाले सभी भारतीय रसोई में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ आपकी चाय को अद्वितीय और स्वस्थ बनाने वाली कुछ बातों के बारे में बताया गया है, जिनको जानने के बाद इस चाय को पीना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं इसके गुणकारी फायदों के बारे में। एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर मसाला चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी मसाले केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देते, बल्कि सूजन का मुकाबला करने के लिए शरीर में तालमेल बनाने के काम भी करते हैं। सूजन को कम करने में मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व अदरक है। लौंग सूजन को कम करने में मददगार दूसरा अच्छा उपाय है। यह शरीर की मांसपेशियों की सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। यह दोनों मसाले बहुत ही शक्तिशाली दर्द निवारक हैं। थकान से लड़े, दिन भर की थकान के बाद गर्मा गर्म मसाला चाय का एक प्याला किसी जादू से कम नहीं होता। इसमें मौजूद टैनिन नामक तत्व शरीर को शांत और पुनर्जीवित करने का काम करता है। इसके अलावा चाय में कैफीन एक उत्तेजक की तरह काम करता है। हालांकि इसमें कॉफी की तुलना में बहुत कम मात्रा में कैफीन होता है, लेकिन वह उसी की तरह प्रभावशाली होता है। चाय में मौजूद यह मिश्रण थकान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। कोल्ड और फ्लू को दूर भगाए। मसाला चाय में मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक गुणों के कारण यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और आम संक्रमण से बचाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लौंग, दालचीनी, इलायची और अदरक के प्रभाव के कारण यह खांसी और जुकाम को दूर रखने का एक शानदार तरीका है। पाचन में सुधार करे। आपको यह जानकर ताज्जुब हो रहा होगा कि यह कैसे संभव है, लेकिन यह सच है। मसाला चाय में मौजूद मसाले जैसे लौंग, तुलसी, अदरक और इलायची के कारण यह एसिडिटी से परेशान लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हालांकि मसाला चाय की प्रकृति अत्यधिक अम्लीय होती है, लेकिन इसमें अदरक मिलाने के बाद यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है, और वास्तव में यह चाय के अम्लीय प्रकृति को भी दूर करती है। चयापचय को बढ़ावा दे। एक अच्छा और सक्रिय चयापचय को आमतौर से वजन घटाने से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छा चयापचय शरीर को आहार को पचाने और भोजन के उपयोग में मदद करने जैसी अन्य बातों के लिए भी जिम्मेदार होता है। अपने स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा होने के नाते चाय पीने से आपके पूरे पाचन तंत्र में सुधार होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में चाय को गर्मी पैदा करने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए यह आपके चयापचय में तेजी लाने में मदद करता है। दिल के लिए अच्छी होती है काली चाय। काली चाय मसाला चाय के मुख्य घटकों में से एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा लौंग और इलायची जैसे मसाले भी खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में सुधार करने में मदद करते हैं। इस प्रकार धमनी ब्लॉकों में पट्टिका गठन की राशि को कम करने में मदद करती है। चाय में मौजूद टैनिन भी रक्त वाहिकाओं को विस्तारित कर हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। डायबिटीज से बचाए। लौंग, दालचीनी और इलायची, इन सभी की मौजूदगी से शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करके मधुमेह को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। दालचीनी तेज दिमाग पाने और अल्जाइमर जैसे रोगों की शुरुआत को रोकने में मददगार होती है, और लौंग शरीर को शर्करा के बेहतर उपयोग में मदद करती है। तो आइए अब जानते हैं मसाला चाय बनाने की विधि के बारे में। आपको इसके लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे साबुत काली मिर्च 2-3, सौंठ 1 चम्मच, दालचीनी 1 पीस, इलायची 2-3 चम्मच, लौंग 1-2, जायफल 1/4 कद्दूकस कर लें। चाय की सामग्री
दूध 3/4 ग्लास, पानी आधा ग्लास, चाय पाउडर आधा चम्मच और चीनी स्वादानुसार। आइए अब जानते हैं मसाला चाय बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले साबुत मसालों को पीस लें। चाय के बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें चीनी, सौंठ, लौंग और काली मिर्च उबाल लें। जब मसाले अपना रंग छोड़ दें, तब पानी में चाय की पत्ती डालकर उबालें। इसके बाद दूध और कुटी हुई इलायची डालकर चाय को अच्छी तरह से पका लें। आपकी चाय तैयार है, इसे छानें और सर्व करें। तो ये थे फ्रेंड्स ग्रीन टी और मसाला चाय के आश्चर्यजनक फायदे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।